हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि रियलमी पैड का ये वाला अपडेट आने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल रिव्यू वीडियो आऊँगा कि ये अपडेट कैसा चल रहा है, ये अपडेट के बाद हमें कोई इशू देखने को मिला कि नहीं, और बात करेंगे एंड्रॉयड 12 को आ सकते हैं। एंड्रॉयड 12 का आ सकता है इज़ टोटली अंडर अजाम्पशन, बट जो रियल रिव्यू होगा वो एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से होगा। तो इस वीडियो में आपको वही सब चीज़ें मिलने वाला है। अगर आप जानना चाहते हो कि अपडेट के बाद कैसा कंडीशन है, मेरे साथ कुछ इशू फेस हुआ है कि नहीं, तो इस वीडियो के से आपको वो चीज पूरा पता लग जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आपको काफी कुछ चीजें याद आ जाए। तो गाइस, यहाँ पे मैं रियलमी पैड के अंदर हूँ, तो झट से मैं आप लोगों को जो अपडेट वर्सन है वो क्लियरली दिखा देता हूँ। तो अपडेट वर्सन जैसे कि मैंने आपको दिखाया पिछले वीडियो में, मैंने अपडेट किया था अपडेट टू एंड्रॉइड 11, और अभी कोई भी अपडेट रिसीव नहीं हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आप नॉर्मली मेरे ही टैबलेट, मेरे हाथ में जो टैबलेट उससे देखोगे, ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस परफेक्ट है। मतलब कोई भी ऐप ओपनिंग स्पीड मान लो, कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ कोई लैग नहीं है, काफ़ी आराम से आप कर रहे हो, नो बफरिंग। गूगल क्रोम भी, गूगल क्रोम का जो पेज है वो भी 1 सेकंड में ओपन होता है, कोई इशू नहीं है। आपका सेटिंग्स तो वैसे भी ओपन हो रहा है, एंड उसके साथ साथ अगर कोई भी लाइक अमेजोन प्राइम, लाइक इस टाइप ऑफ जो बड़ा बड़ा एप्लीकेशन है, इसमें भी कोई लैग हैंग कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिलता। अगर झट से मैं कोई मूवी को ब्राउज करता हूँ, कोई भी चीज़ यहाँ पे जो कि प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। और कोई भी अदर साइट्स खोल लो, आप डिस्नी प्लस हॉटस्टार खोल लो, एवरीथिंग सीम्स टू वर्क फाइन। और आपका जो वीडियो व्यूइंग कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप यूट्यूब वगैरह में ओपन करके कुछ चीज़ें देखते हो तो आपको 2K तक आराम से जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा कैपेबल कंडीशन है। तो बात करते हैं रैम मैनेजमेंट के बारे में। तो रैम मैनेजमेंट काम करते हैं ना, यहाँ पे सब कुछ एक बार क्लियर करते हैं, आपके सामने क्लियर कर दिया। तो अभी रैम के अंदर कोई भी एप्लीकेशन है नहीं, तो अभी मैं ना 4-5 एप्लीकेशन आप लोगों के सामने ओपन करूँगा। दैट इंक्लूड्स गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में एक पेज ओपन हो गया है, ठीक है, परफेक्ट, एक पेज ओपन है। उसके बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया, एंड इमीडिएट बेस पे मैंने ऑन किया मान लीजिए अमेजोन प्राइम। तो अमेजोन प्राइम मैंने ऑन कर दिया, अमेजोन प्राइम लोडिंग हो गया, प्रॉपरली ऑन हो गया, आप कंटेंट यहाँ पे दिखा रहा है। नंबर 3 मैं अभी ऑन करूँगा यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल वाला एप्लीकेशन, लाइक क्या ऑन किया जा सकता है, लाइक गूगल कीप नोट्स। तो गूगल कीप नोट्स मैंने ऑन कर लिया गूगल वर्कस्पेस के अंदर, काफ़ी आराम से आ गया। तो झट से मैंने इसको भी बंद कर दिया, अभी यहाँ पे कुछ साइन इन वगैरह ले रहा था। उसके बाद मैंने यूट्यूब को ऑन किया, अब यूट्यूब में एक साइन इन का प्रॉब्लम है अकाउंट में, तो ये भी मैंने ऑन कर दिया। और उसके साथ समझ लीजिए मैंने कैलेंडर ऑन कर दिया, कैलेंडर भी नॉर्मली यहाँ पे ऑन हो चुका है, परफेक्ट। तो ये सब 4-5 एप्लीकेशन मैंने चालू कर लिया है, और उसके साथ साथ मैं फ़ोटोज़, ये जो गैलरी है ये भी कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं जो मैसेजेस है इसको भी ऑन कर रहा हूँ। तो इधर उधर करके मेरा 7-8 एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने गूगल क्रोम ओपन किया था, तो गूगल क्रोम को झट से ओपन करके देख लेते हैं। इस गूगल क्रोम का पेज लोड हो रहा है, अच्छा, लाइक मैसेज का पेज लोड नहीं हो रहा है। और मैंने और क्या ओपन किया, अमेजोन प्राइम, नहीं, अमेजोन प्राइम का भी पेज लोड नहीं हुआ। उसके साथ साथ मैंने और क्या ओपन किया था, और ओपन किया था गूगल कीप नोट्स, तो गूगल कीप नोट्स में वही साइन इन वाला पेज ऑप्शन आ रहा है। यूट्यूब ओपन किया था, यूट्यूब में आपका साइन इन नहीं है, लोड हो गया है। तो देखिए गाइस, 3 GB का मेरा रैम है रियलमी पैड के अंदर, तो मैं बोल सकता हूँ रैम मैनेजमेंट ठीक ठाक है, पर मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन था रैम का परफॉर्मेंस, थोड़े दिन चेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा। अभी बात कर लेते हैं कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में। देखिए गाइस, मेरा अभी यहाँ पे 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी कनेक्टेड है, और मैं आपको अभी स्पीड टेस्ट करके भी दिखा सकता हूँ कि नेटवर्क में कोई लेटेंसी है कि नहीं। मेरा 30 Mbps का कनेक्शन है बेसिकली, और इसका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है अपडेट के बाद भी काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर केस में कुछ कुछ अपडेट के बाद नेटवर्क का कनेक्टिविटी काफ़ी गिर जाता है। तो मैं झट से गूगल क्रोम का एक पेज ओपन कर लेता हूँ, और वहाँ से ओपन कर लेते हैं ओकला, एंड ओकला स्पीड टेस्ट को झट से देखते हैं। तो ओकला स्पीड टेस्ट जो है मैं झट से देख लेता हूँ एक बार। तो दिस इज़ द स्पीड टेस्ट बाई ओकला, एक बार ऑन कर लेते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि क्या कंडीशन है। अब यहाँ पे मेरा जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है ये इसको ग्रैब कर लेगा, ये देखिए GTPL आ गया है। तो सिंपली यहाँ पे गो करते हैं, और आपको ना पूरा स्पीड मिलेगा। मैं बोल देता हूँ कि मेरा जो प्लान है वो 30 Mbps का प्लान है, लेट्स फाइंड आउट कि क्या होता है 30 Mbps हमें मिलता है कि नहीं।
तो ये प्रॉपरली 30 के ऊपर ही एमबीपीएस मिल रहा है। GTPL का जो KCPL कनेक्शन है उसमें ऐसा ही मिलता है, 30 एमबीपीएस वो लोग बताते हैं, पर 35 के आसपास हमें मिल ही जाता है। और जब मैंने 75 एमबीपीएस का प्लान लिया था तब भी 80 के 80 के आसपास आता था। और यहाँ इन्होंने डाउनलोड एंड अपलोड बोथ चेक तो नहीं किया, सिर्फ डाउनलोड ही चेक किया है। तो ठीक है, मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो अपडेट के बाद भी काफ़ी स्मूथ है। बात करते हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड बैटरी ड्रेनिंग। ओके, तो अभी 38% बैटरी आप शायद देख पा रहे हो, परफेक्ट। अभी आप सोचोगे कि इन्होंने क्या किया है ऐसा, लेट मी फाइंड आउट कि क्या किया है। एक्चुअली ज़्यादातर केस में ये जो टैब है मेरे फादर के पास रहता है, वो ज़्यादातर केस में यहाँ पे वर्ल्ड कप के मैचेस देखते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। जर से मैं जाता हूँ अभी बेसिकली बैटरी पे, 30% और चार्जिंग दिखा रहा है। लास्ट फुल चार्ज हुआ था 3 दिन पहले एंड स्क्रीन ऑन टाइम इन्होंने दिया 6 घंटा 32 मिनट। मतलब अपडेट से पहले मैंने इसको फुल चार्ज किया था, उसके बाद नहीं किया था। टैबलेट यूज़ मोर देन एज यूजुअल, बैटरी ड्रेनिंग यहाँ पे हो रहा है, टैबलेट खुद ही बता रहा है। लाइक ये देखिए, मोर देन एज यूजुअल बता रहा है। और मोर देन एज यूजुअल पे सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है जियो सिनेमा पे सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन हुआ है। तो एक बार सब कुछ चेक कर लेते हैं, बैटरी परसेंटेज है, बैटरी यूजेज फुल स्टेटस भी है, बैटरी सेवर को मैं ऑन कर सकता हूँ पर उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, मैं इसलिए ऑन नहीं करता। तो ये है पूरा बैटरी का स्टेटस, जो पूरा केस है। और उसके साथ साथ आपको ये दिखाया जाएगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन को अगर स्टॉप करेंगे तो ज़्यादा बैटरी का जो कि कैपेसिटी आएगा। अब बैटरी यूजेज देख लेते हैं एक बार। तो बैटरी यूजेज में सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे 5 और 35 में यहाँ पे जियो सिनेमा ही आया है ये 3 दिन के अंदर। तो मतलब जियो सिनेमा यहाँ पे जो 6 घंटे का बैटरी आप देख रहे हैं, स्क्रीन फुल चार्ज ये देख रहे हैं, ये बेसिकली डिपेंड है आपका जियो सिनेमा के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से जो वर्ल्ड कप के मैच है वो दिखे जाते हैं। तो अगर आप मेरी माने तो बैटरी ड्रेनिंग उतना ज़्यादा भी नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो इस बैटरी ड्रेनिंग के मदद से। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एंड्रॉयड 12 के बारे में बात करूंगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जनवरी 2023 करके ऐसा एक टाइमिंग है, वहाँ पे धीरे धीरे करके बेटा पुश किया जाएगा। ये एक अनऑफिशियल न्यूज़ है, पर कुछ कुछ वेबसाइट्स ये चीज़ के बारे में बता रहा है कि अभी जनवरी दिसंबर के बाद जनवरी में धीरे धीरे करके रियलमी पैड यूजर्स को बेटा पुश किया जाएगा। पर रियलमी ऑलरेडी कन्फर्म कर चुका है कि एंड्रॉयड 12 आ रहा है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो जहाँ पे हमें एंड्रॉयड 13 मिलना चाहिए उस टाइम में हमें एंड्रॉयड 12 मिल रहा है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट एंड्रॉयड आना चाहिए विथ प्रॉपर स्टेबिलिटी, ताकि हमें जाके काफ़ी अच्छा एंड इंप्रूवमेंट देखने को मिले। एंड्रॉयड 12 का वो आती कुछ बेहतरीन फीचर्स है, अगर आप रियलमी पैड एक्स के अंदर देखोगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें इंक्लूड किया हुआ है। दोस ऑल थिंग्स आर कम अप टू रियलमी पैड के अंदर भी वो सारे चीज़ आ सकते हैं। तो रियलमी UI 2.0 ऑन रियलमी पैड पर या रियलमी पैड OS 2.0 आप जो भी मानने की कोशिश करें, अगर वो आ जाता है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा। लिटरली सेप्टेम्बर अक्टूबर से मैं वेट कर रहा हूँ कब जाके एक्चुअली ये वाला अपडेट जो है आएगा और हमें एंड्रॉयड 12 का जो है टेस्ट मिलेगा रियलमी पैड के अंदर। पर नहीं मिल रहा है, क्या कर सकते हैं, रियलमी को पहले पुश करने दीजिए, उसके बाद तो हम वीडियो बनाएंगे कि कैसा कंडीशन है एक्चुअली अपडेट के अंदर। गाइस आप लोगों को अपडेट तो पूरा पता चल ही चुका है, अपडेट का रिव्यू भी पूरा पता चल चुका है। आप लोग बताओ, आप लोगों में से किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या ये अपडेट के बाद? अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल दो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अब देखते हैं कितने लोगों को ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, दिस फाइंड आउट कि क्या होता है एक्चुअली। और क्या लगता है आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताओ कि रियलमी पैड 2.0 का जो OS है, मतलब एंड्रॉयड 12 के साथ, वो रियलमी पैड के अंदर कब जाके हमें मिल जाएगा? तो ध्यान से आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कमेंट को पढ़ के आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय।